क्योंकि हम हिंदू हम लोग सहिष्णु हैं, हम शांत प्रकृति के हैं, इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। और उस वजह से पवन कल्याण ने कहा कि मैं 11 दिन का उपवास करूंगा, एक तरह से प्रायश्चित करूंगा। वो आदमी अब उसने अगर पहल की है और अगर उसका साथ नहीं दिया तो आगे फिर बहुत हम लोग को झेलना पड़ेगा। और अगर वो जो सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की बात कर रहे हैं, अगर वो बोर्ड बन जाता है तो बहुत बड़ी ताकत आपके पास होगी मनीष जी। पूरे भारत में एक आवाज होगी हिंदुओं की, जरा सोचिए 100 करोड़ हिंदुओं की एक आवाज होगी। अपने आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी आवाज होगी, कितनी ताकतवर वो आवाज होगी। तिरुपति बालाजी में प्रसाद बाला जो महापाप था उसमें अब मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने 11 दिनों का प्राश्चित दीक्षा रख लिया है। और ये पूरा मामला मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चर्चा में होना चाहिए कि पहली बार किसी ऐसे राजनीतिक पुरुष ने इसको प्राश्चित के रूप में माना है कि तिरुपति बालाजी जैसे संस्था, यदि अब सच है, कितना इसमें सच है, बहुत मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शुद्धिकरण पूरा जो शुद्ध प्रसाद में किसी ढंग की कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन एक मामला जब खुद चीफ मिनिस्टर ने सामने रख दिया तो संदेह बढ़ गया है। और संदेह उस पर जिसका सनातन में आस्था नहीं था उसके ऊपर यदि आरोप है तो मामला गंभीर है। अब पवन कल्याण ने जो लकीर खींची है, पिछले दिनों भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी, अब तस्वीर सामने आई है खुद डिप्टी सीएम का, वो तिरुपति मंदिर पहुंचे हैं, प्राश्चित उन्होंने किया है, उपवास उन्होंने रखा है और पूरी शुद्धिकरण के लिहाज से कि जब तक उस सच को पता नहीं करा जाएगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने हाल में कहा था कि सनातनियों का एक अलग ढंग का एक ट्रस्ट होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बात यहां से कहां तक जाएगी? नहीं मनीष जी, यही समस्या रही है कि अभी तक बात आगे नहीं जाती थी, अब पवन कल्याण के आ जाने की वजह से और जिस तरह से पवन कल्याण ने कमान संभाली है तो अब ये बात आगे तक जाएगी, पूरी दुनिया में जाएगी। उन्होंने इसको शुरू करने से पहले बहुत खुलकर कहा है कि क्योंकि ये हिंदू धर्म का मामला है तो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है, टॉलरेंस का पाठ पढ़ाया जा रहा है कि इसको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसको अब अनदेखी कर दी जाए, इसको देखा ना जाए। कि उन्होंने कहा कि अगर यही घटना किसी मस्जिद के साथ हुई होती, किसी चर्च के साथ हुई होती तो पूरे देश में अव्यवस्था फैल गई होती और पूरी दुनिया की मीडिया इसकी चर्चा कर रही होती। आज पूरी दुनिया की मीडिया शांत है इस पर, उसके लिए कोई खबर नहीं है, ये बीबीसी के लिए, सीएनएन के लिए और राइटर के लिए। तो क्योंकि हम हिंदू हम लोग सहिष्णु हैं, हम शांत प्रकृति के हैं, इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। और उस वजह से पवन कल्याण ने कहा कि मैं 11 दिन का उपवास करूंगा, एक तरह से प्रायश्चित करूंगा। तो बहुत स्वागत है पवन कल्याण का, लेकिन पवन कल्याण का जो बयान है मनीष जी और जिस तरह से उन्होंने पहल की है, इस पहल का मैंने उस दिन भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि इसको भरपूर इनको सहयोग करिए, भरपूर इनका साथ दीजिए, अन्यथा इस तरह का नौजवान चेहरा और तेजस्वी चेहरा मैं कह सकता हूं, वो आदमी अब उसने अगर पहल की है और अगर उसका साथ नहीं दिया तो आगे फिर बहुत हम लोग को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर वो जो सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की बात कर रहे हैं, अगर वो बोर्ड बन जाता है तो बहुत बड़ी ताकत आपके पास होगी। और इस तरह के जो फ्रॉड बैठे हैं कांग्रेसाचार्य शंकराचार्य बनके, इनसे आपका पिंड छूटेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि पवन कल्याण यदि इस लकीर को खींच पाए तो फिर सनातन धर्म बोर्ड की तरफ रास्ता जाएगा कि ये हिंदुओं का जो दान का मामला है वो कोई मस्जिद नहीं बने, कोई मजार नहीं बने और उस पर कोई जिहादी और भारत विरोधी एजेंडा ना चलाया जा सके, वो मनीष जी सनातन के हित में ही हो? मनीष जी, पूरे भारत में एक आवाज होगी हिंदुओं की, जरा सोचिए 100 करोड़ हिंदुओं की एक आवाज होगी। अपने आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी आवाज होगी, कितनी ताकतवर वो आवाज होगी। और उस बोर्ड की अगर गठन की बात वो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बनना चाहिए, क्योंकि जो कुकुर मुत्तों की तरह कुछ आ जाते हैं राजनीतिक सौदागर, राजनीतिक दलों के दलाल, जैसे वो कांग्रेसाचार्य टहल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर आजकल, इस तरह के दलालों का अंत होना बड़ा जरूरी है। और उसके लिए जरूरी है कि हमारे 100 करोड़ हिंदुओं की एक संस्था हो, उसके बाद फिर कोई बात होगी, उससे पहले नहीं होगी। बिल्कुल। और वहां से लकीर लंबी हो सकेगी, क्योंकि आमतौर पे जो सनातन आपके दान से देश विरोधी हरकतें होती है, सोचिए आपके दान से क्या कुछ होता है, आपके ध्यान से भारत द्रोही पाले जाते हैं। तो कम से कम जैसे दूसरे मजहबों के लिए होता है कि उनके दान का पैसा वक्फ बोर्ड के नाम पर पाप हो रहा है, आपकी संपत्ति वक्फ बोर्ड छीन रहा, तो अब चीजें तो खुल कर करके सामने आ रही है। लेकिन कमाल ये है
कि आपके द्वारा मंदिर में जो आप श्रद्धा भाव से दान करते हैं वो भी भारत विरोधी एजेंडे में लग जाते हैं। अरे बनी जी, जहां का ये लड्डू वाला विवाद आया है सामने, मैंने उस दिन भी बताया था कि 16,000 करोड़ रुपए तो जमा है बैंक में और 10 टन सोना जमा है बैंक के अंदर, तो सोच लीजिए अथाह संपत्तियों के स्वामी है हमारे मंदिर, और उन पर ये बैठे हैं लफंगे, वो जो स्टालिन और उसका लौंडा दोनों मिलकर सनातन धर्म को लगातार गाली देते हैं। और मैंने आपको बताया था कम से कम 5,000 किलो सोना वो ले चुका मंदिर से, वो और उसका बाप। तो इस टाइप के लोग हमारे धर्म का शोषण कर रहा है, तो वो जिस समय सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बने और सारे मंदिर उनके अधीन हो, तब समझ में आएगा कि ये कितने पानी में है। बिल्कुल, और इससे पूरे देश का कम से कम आपके सनातन समाज का डेवलपमेंट होगा। आप तमाम स्कूल से लेके बहुत सारे जो मंदिर है, जो आप देश भर में जो आस्था का केंद्र है उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, और उससे लोगों को रोजगार उस समुदाय के लोगों को मिलेगा। आप मिलेगा मंदिर, आप सड़कें बनाते हैं, भारत सरकार के अलग अलग चीजें हैं उनसे बनेंगी, आप टैक्स लेते हैं, लेकिन मंदिर का जो पैसा है वो जिस आस्था का है उसी आस्था के ऊपर खर्च होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक पाप जो सामने आया है, पवन कल्याण जहां से प्रायश्चित कर रहे हैं, उससे एक नई लकीर खींची जाएगी। बेहतरीन पहल है, बेहतरीन पहल है, और इसको सरकार को भी इसका साथ देना चाहिए और हिंदुओं को तो देना ही चाहिए। बिल्कुल।